hi, dear students, welcome back to intelligence care institute. myself, dr. heather sir. today i'm talking about the reproductive health. please join fast. गुड इवनिंग टू ऑल बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों शुरू करें बच्चों आ गए सब बहुत सारे बच्चे गायब हैं चलिए शुरू कर आज हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक है नया चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो हमें बहुत ही डिटेल रिप्रोडक्शन के बारे में पता है है ना रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में पढ़ ही लिया है पहले ही है ना एसेशुअल रिप्रोडक्शन भी पहले भी डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया है अब हम लोग पढ़ते हैं हेल्थ व्हाट इज़ हेल्थ हेल्थ क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हेल्थ दो अलग अलग चीज़ें हैं ठीक है ना अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की तो हेल्थ की डिफिनीशन ये होती है बच्चों की कम्प्लीट इट इज स्टेट ऑफ कम्प्लीट कम्प्लीट फिजिकल फिजिकल मेंटल एज वेल एज एज वेल एज सोशल वेलफिंग है ना ठीक है ना इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एज वेल एज सोशल ही वो फिट हो जबकि अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी इंसान कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई पर्सन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो हेल्थी हो फिज़िकली भी मेंटली भी एज वेल एज सोशली है ना कोई आपको नहीं मिलेगा कोई आपको नहीं मिलेगा बेटा ठीक है ना अगर आप जो है फिजिकली ठीक है ना अगर आप फिज़िकल की बात करें चलिए मान लेते हैं कि आप फिज़िकली फिट हैं आप जिम उम करते हैं तो आप फिज़िकली फ़िट होंगे ठीक है ना लेकिन मेंटली तो बहुत मुश्किल है चलिए किसी ने गिफ्ट किया तो मेंटली बहुत अच्छे हैं खुश हैं लेकिन अचानक एक से दो दिन बाद कुछ हुआ तो मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया वॉइस क्लियर है वॉइस क्लियर है वॉइस तो क्लियर है बेटा कोई मैसेज आया या फिर अगले दिन जो है कोई दिक्कत हो गई तो आप मैंटली डिस्टर्ब तो मेंटल जो है डिप्रेशन होना बहुत ही आम बात है और छोटी छोटी बातों पे जो है हम रिएक्ट करते हैं तो मेंटली हम कैसे खुश हो सकते हैं है ना चलिए मान लेते हैं आप फिज़िकली भी फ़िट थे मेंटली भी फिट थे लेकिन आप सोशली तो फ़िट नहीं होंगे ना सोशली का मतलब अपने आस के लोगों से जाके आप मिले अपने आस के लोगों से हाल पूछें अपने आस पास पड़ोस के लोगों से पूछें, लेकिन कोई नहीं करता है ऐसा आप लोग भी नहीं करते हैं और ना ही हम करते हैं समझ गए बताओ भाई बताओ क्लियर कोई बोल नहीं रहा है चलिए तो यानी मेंटली जो है कोई भी फिट नहीं है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फिजिकल फिजिकल मेंटल प्लस सोशल नहीं फिज़िकल मेंटल ठीक बिहेवियरल बिहेवियरल प्लस इमोशन ज्यादा जरूरी है इमोशनली भी जो है आप फिट हो तभी हम लोग कहेंगे ठीक ठीक है ना फिजिकल मेंटल, बिहेवियरल एज वेल एज इमोशनल इमोशनल बहुत ज़रूरी है तभी हम लोग कहेंगे कि क्या है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थी हैं क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थी क्लियर चलिए मेरे ख़्याल से ये बात आपको समझ में आ गई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हुआ क्या अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ऐसे ही पॉपुलेशन्स जो है डे बाई डे हमारे यहाँ की बढ़ती जा रही थी आज़ादी के बाद जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उन्नीस की बात थी जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ाद होने के बाद समझिएगा जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ादी के बाद क्या हुआ लोगों ने जो है रिप्रोडक्शन कुछ बचा नहीं लड़ाई वड़ाई तो हो नहीं रही थी एक ही चीज़ रह गया था रिप्रोडक्शन देश के आज़ाद होने के बाद इसके पहले दिक्कत ये थी कि कहीं बंदूकें चल रही हैं कहीं जो है बम ब्लास्ट हो रहा है कहीं जो है लाठियां चार्ज हो रही हैं तो रिप्रोडक्शन उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे लोग लेकिन उन्नीस में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो रिप्रोडक्शन झमाझम ज़म किया लोगों ने और पापुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी पापुलेशन बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रही थी जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हुई तो एक दिक्कत आई ठीक अब पॉपुलेशन जब तेज़ी के साथ बढ़ने लगी तो तीन चीज़ों की तीन ही चीज़ ऐसा है खाना खाना कपड़ा मकान यही तीन जो है चैलेंजेस थे हमारे पास ठीक है ना फूड क्लोथ और रहने के लिए जगह ये तीन चैलेंजेस थे हमारे पास तो इसको जो है हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे तो हुआ क्या कि फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई ठीक किसकी शुरुआत की गई फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई अब फैमिली प्लानिंग में बच्चों सबसे पहले भारत देश ने ही एक काम अच्छा किया कि फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग जो शुरू किया बच्चों ये इंडिया ने शुरू किया कब 1951 में ठीक एक काम ये अच्छा हुआ 1951 में जो है भारत देश ने जो है फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया फैमिली प्लानिंग को ही आज हम लोग मॉडर्न डे में इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इसी को कहा जाता है ठीक है ना फैमिली प्लानिंग रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर अब मॉडर्न डे में इसी का नाम जो है क्या रखा गया फैमिली प्लानिंग का आर सी एच चाइल्ड हेल्थ केयर अब इसमें क्या था बहुत सारी चीज़ें थी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर में कि एक बच्चे को अगर आपको हेल्थी रखना है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो अगर किसी भी बच्चे को हम लोग किसी चाइल्ड को हेल्थी रखना चाह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अब इसमें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर में क्या क्या जो है शुरू किया गया था जी हम लोग समझते हैं बात को इसमें सारी के सारी कहानी है कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है क्या क्या शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ी जैसे इसमें कहा गया कि लोगों को जागरूक किया जाए रिप्रोडक्शन से के बारे में एजुकेशन दिया जाए ठीक है ना इसके बाद हम लोग बाद में कर लेते हैं कुछ और बात पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया कि एजुकेशन अबाउट सेक्स ठीक एजुकेशन अबाउट सेक्स सेक्स के बारे में लोगों को बताया जाए वो स्कूलों में कोई भी स्कूल हो ठीक स्कूल के माध्यम से स्कूल में कोई भी टीचर हो है ना, या फ्रेंड्स से किससे बच्चों फ्रेंड्स के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू किसके थ्रू नहीं आता न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा है टेलीविज़न के थ्रू टेलीविज़न के थ्रू या बच्चों रेडियो के थ्रू किसके थ्रू रेडियो के थ्रू ठीक है ना इन सब जो है चीज़ से लोगों को एजुकेश एजुकेट करिए अपनी कम्युनिटी को बताइए रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए सेक्स के बारे में बताइए जो है क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है जब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो अचानक से होता क्या है कि प्यूबर्टी के बाद कुछ चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं प्यूबर्टी के बाद जब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं एब्रप्ट इंक्रीज इन द हाइट और वॉइस में चेंज होना तो वो लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है वॉइस में क्यों बदलाव सा लग रहा है वो डर जाते हैं बच्चे तो अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन हम देंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो उनको एच से भी वो लोग बच जाएंगे अब हमें देखिए और क्या क्या एजुकेशन देनी है एजुकेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है रेडियो से हम लोग दे सकते हैं अब देखिए क्या क्या हम लोगों को मिनोरिया के बारे में बताना है ठीक मीनारके के बारे में हम लोगों को बताना है ठीक हम लोगों को प्रेगनेंसी के बारे में जो है जागरूक करना है प्रेगनेंसी के बारे में बताना है ठीक है ना हमको उसमें प्यूबर्टी के बारे में बताना है किसके बारे में प्यूबर्टी के बारे में हमें एस के बारे में बताना है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिशीज़ के बारे में बताना है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिज़ के बारे में बताना है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बताना है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बताना है ठीक है ना तो जितनी भी चीज़ें हैं ओवलेशन के बारे में बताना है ठीक है ना तो सारी के सारी एजुकेशन जो है हम लोगों को देनी पड़ेगी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बच्चों ठीक है ना तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे जैसे मान लीजिए आप आप और आपका जो है बच्चा टीवी देख रहा था तो अचानक उसमें ऐड भी आते हैं ठीक है ना तो कोई ऐड आ गया मान लीजिए जो है कांडोम का ऐड आ गया और बच्चे ने अचानक से पूछा पापा ये क्या है तो तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज में उसको कैसे भी समझा देना है कि बेटा ये है ये सब नहीं कहना है कि उसको डांटना शुरू कर दें आप उसको प्रेशर उस पर क्रिएट करें अगर आप ये सब करेंगे तो बच्चा एक बार डर जाएगा और दूसरी चीज़ें वो जो है उसके बारे में सर्च करना शुरू करेगा उसके बारे में सर्च करेगा तो फिर उसको थोड़ा सा जो है डाइवर्जन महसूस होगा ठीक है ना उसके बारे में जाएगा वो डीपली और जाएगा और जाएगा और जाएगा धीरे धीरे बच्चा जो है बिगड़ना शुरू हो जाएगा उसकी आदतें जो है ख़राब होना शुरू हो जाएंगी तो हमें प्रॉपर वे में जो है उसे बचाना बताना है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे है ये भी नहीं कहना कि आप जब बड़े होंगे तो जान जाएंगे ये भी नहीं कहना क्योंकि उसके अंदर जानने की जो है आ, वो बार बार उसका मन कहेगा कि ऐसी क्या बात थी वो अपने दोस्तों से शेयर करेगा कि मैंने ऐसा पूछा था मेरे पापा ने मुझे डांट दिया था ये वो ऐसे वैसे तो ये सब चीजों की जानकारी हमें प्रॉपर वे में उनको देना चाहिए समझ गए ठीक है ना नहीं समझ पा रहे मेरे ख्याल से तो यानी हम लोगों को अब देखिए मिनोरिया ठीक है मेनारके यानी वही हम लोग कहें मेनारके के बारे में बताना है प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं ठीक है ना प्रेगनेंसी के बारे में बताना है हम लोगों को हम लोगों को ओगलेषन के बारे में बताना है ठीक है ना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं एवॉर्शन हो जाए मिस कैरेज हो जाए ठीक मिसकैरेज हो गया ठीक इन सब चीजों के बारे में प्यूबर्टी पे जो है प्यूबर्टी पे क्या क्या होता है बच्चों प्यूबर्टी पे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं ठीक है ना एक्सिलरी हेयर आना शुरू हो जाते हैं बियर्ड आना शुरू हो जाती हैं ठीक तो वॉइस में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं मसल में जो है इंस्टेंथ आना शुरू हो जाती है तो ये सब बातें जो है हमें उन लोगों को बताना जरूरी है क्लियर ताकि बच्चे जो है डरे ना जब इस स्टेज पे आए बताइए क्लियर है मेरे ख्याल से समझ गए कि हम लोगों को जो है जागरूकता फैलानी है आप टेलीविजन से पह, जो है न्यूज़पेपर से फैला सकते हैं टेलीविजन से फैला सकते हैं स्कूल में आप जो है बताइए फटाफट फड़ कमेंट करिए अगर क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ू हम्म चलिए क्लियर ओके अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज अब बच्चे को यह भी बताना है कि प्रॉपर अगर जो है रिप्रोडक्शन आप करें तो प्रॉपर मल्टीपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है बच्चों आपने सुना होगा जैसे एड्स नहीं सुना एड्स तो आप जानते ही होंगे एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनोडिफिशी सिंड्रोम एच है ना ठीक एच आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी सुना होगा हेपेटाइटिस बी जो है ठीक आपने हरपीस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन सुना होगा ठीक है ना आपने गोनोरिया के बारे में सुना होगा गोनोरिया के बारे में सुना होगा ठीक आपने सिफिलिस के बारे में सुना होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो इसमें क्या होता है बच्चों अगर प्रॉपर कंडोम का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो ये डिसीजेज़ आपको हंड्रेड परसेंट होंगी और ये बीमारी अगर होगी आपको तो जाहिर सी बात है आप लाइन कभी कोई ठीक नहीं कर पाएगा ठीक है क्लियर चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं इसी में एमनियोसेंटेसिस क्या पढ़ते हैं बच्चों एमनियोसेंटेसिस ये क्या होता है एमियोसेंटेसिस हम लोग करते कैसे हैं ये है बच्चों, ये फीमेल है बच्चों, ये उसका बेबी है ठीक ये इसका बेबी है और ये एमनियोटिक फ्लूड है क्या है एमनियोटिक फ्लूड है ठीक अब ये एमनियोटिक फ्लूड के अंदर ये बच्चा जो है खेल रहा है इसके अंदर मौज मस्ती कर रहा है होता क्या है कि एमनियोटिक फ्लूड को रिमूव करते हैं क्या करते हैं बच्चों एमनियोटिक फ्लूड को सिरिंज से जो है क्या करते हैं एक्सप्रेट कर लेते हैं यानी निकाल लेते हैं ये सिरिंज लगाई हमने ये सिरिंज लगाने के बाद इसको क्या किया एस्प्रेट कर लिया अब इसको जब निकाल लिया तो इसके अंदर ये फ्लूड आ गए इस फ्लूड के अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चों क्योंकि जो जो बच्चा इसके अंदर है तो इसकी स्किन जो होती है वो बार बार सेल्स जो है एमनियोटिक फ्लूड में रिलीज़ होते हैं जब एमनियोटिक फ्लूड में रिलीज होते हैं तो इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूड में सेल्स पाई जाती हैं इसमें हम लोग चेक करते हैं बच्चों बार बॉडी क्या चेक करते हैं बार बॉडी चेक करते हैं अब बार बॉडी क्या है इनएक्टिव सोमैटिक सेल्स होती हैं इनएक्टिव सोमैटिक सेल होती हैं क्या होती हैं बच्चों इनएक्टिव सोमैटिक सेल ठीक है।, है ना अब बार बॉडी जो होती है इसका फार्मूला होता है बार बॉडी बार बॉडी इज इक्वल टू यक्स माइनस वन क्लियर क्या होता है यक्स माइनस वन बच्चों तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मेल का जो रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला है यक्स वाई होता है और फीमेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यक्स और यक्स से तो अगर बार बॉडी निकाली जाए बार बॉडी तो यक्स बताइए इसमें कितना है वन वन माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो है ना अब फीमेल की अगर कैलकुलेट की जाए बच्चों तो कितने यक्स हैं टू हैं तो टू माइनस वन इज़ इक्वल टू वन तो इससे हम लोग पता कर लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल है क्या करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स तो एमनियोसेंटेसिस से हम लोग क्या करते हैं डिटर्मिनेशन हम लोग कर सकते हैं सेक्स ऑफ बेबी या सेक्स ऑफ फीटस कहें ज्यादा बेटर है सेक्स ऑफ फीटस और क्या करते हैं ऐसा है नहीं कि सिर्फ यही करते हैं एक्चुअल में हम लोग इसका यूज दूसरी चीजों के लिए करते हैं बताइए भाई क्लियर हो रहा है सभी को बच्चों बताइए क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ बेबी या फीटस और हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों कोई क्रोमोजोमल इनोमली है कोई क्रोमोजोमल इनोमली है कोई क्रोमोजोमल इनली है हम लोग इसको चेक कर सकते हैं ठीक है ना क्रोमोजोमल इनली लाइक एडवर्ट सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम बताइए यहाँ पे पहले ये बातें समझ आई सभी को मैं आगे बढ़ूँ बार बॉडी समझ गए बताओ बच्चों बार बड़ी समझ गए निकाल लोगे कोई दिक्कत तो नहीं पहचान जाओगे सर एन से डिफरेंट लग रहा है तो हर चीज़ एन में हो तभी सही है क्या अब एम के बारे में समझ लो सब वही है क्रोमोजोमल एक्सप्लेन कीजिए ओके चलिए अब हुआ क्या एन से कुछ नहीं डिफरेंट है बेटा अब होता क्या है कि एम्योसेंटेसिस में हम लोगों ने एमनियोटिक फ्लूड लिया था ठीक है ना अब इसमें क्या है क्रोमोजोमल डिस क्रोमोजोमल डिसीज़ का मतलब जब उसका हम लोग एमनियोटिक फ्लूड लेंगे तो उसमें कुछ सेल्स होंगे है ना एमनियोटिक फ्लूड जब हमने निकाला एमनियोटिक उसमें बार बॉडी नहीं दी है बच्चों तुम्हारे जो एन सी आर टी उसमें बार बॉडी नहीं दी है तो आप सेक्स जो है कैसे चेक करेंगे बार बॉडी से चेक करेंगे तो वो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ एमनियोटिक फ्लूड आपने निकाला तो इसमें सेल्स होंगे इसके अंदर क्या होंगे बच्चों छोटे छोटे सेल्स होंगे अब वो सेल्स किसके होंगे स्किन के होंगे जब ये सेल्स स्किन के होंगे तो इसमें हम लोग चेक करेंगे जाके तो अगर इसके अंदर अब जैसे देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब मान लो उसको क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाए क्या हो जाए बच्चों क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाए उसको जो है इडवर्ड सिंड्रोम हो जाए क्या हो जाए इडवर्ड सिंड्रोम हो जाए उसको बेटा टर्नर सिंड्रोम हो जाए टर्नर सिंड्रोम हो जाए ठीक उसको पटाऊ पताव। पटाऊ सिंड्रोम हो जाए ठीक उसको जैकोब डिसीज हो जाए जैकोब डिसीज हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे ये सब पता लगा लेते हैं ये सब क्या करते हैं बच्चों पता लगा सकते हैं क्रोमोजोमल का मतलब होता है कि क्रोमोजोम में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा ये है ये क्रोमोजोम है बच्चों ये क्रोमोजोम टूट गए इस पे से आधे पर से टूट गए तो जब ये टूट गए तो कोई और बीमारी हो जाएगी या क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो गए क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो गए तो ये हम लोग पता लगा सकते हैं जब हम लोग पता लगा लेंगे इस केस में हम लोग कर सकते हैं अगर कोई भी बच्चा माँ की पेट में है माँ के जो है यूटेरस में है माँ के यूटेरस में अगर बच्चा है और इस बच्चे में कोई ऐसी डिसीज़ है जिससे खतरा माँ को है किसको है यानी इस बच्चे में कोई ऐसी डिसीज है जिससे खतरा किसको है बच्चों माँ को है तब हम लोग एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस हम लोग करा सकते हैं तब जब खतरा किसको हो माँ को हो कि माँ मर जाएगी इसकी वजह से या जो है दोनों को खतरा हो तभी हम लोग ये करा सकते हैं लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल आजकल लोग जो है सेक्स ऑफ बेबी या फीटस का जो है सेक्स चेक करवाते हैं कि लड़का है या लड़की अगर लड़की है तो इसको लोग मार देते हैं ठीक है ना और ये जो है आप चेक करा सकते हैं इसकी जो आ, वो होती है आ, आप कब करा सकते हैं तो एमनियोसेंटेसिस जो होती है बच्चों जो है आप करा सकते हैं 12 से लेके वीक में इसके पहले नहीं करा सकते आप बारह से फोर्टीन वीक में जो है आप करा सकते हैं ठीक है ना तो इसमें हम लोग इससे क्या करते हैं बच्चों अब देखिए मेन ये इसका नहीं था कोई बीमारी ऐसी हो जिससे मदर को खतरा हो बेबी को खतरा हो तब हम लोग कराते हैं लेकिन आज कल लोग इसका यूज़ कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ दिस सेक्स ऑफ बेबी जो इलीगल है ठीक है ना आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर लिखा होता है कि भ्रूण के लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है ये पढ़ा होगा आपने है ना नहीं जानते भ्रूण के लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है लेकिन लोग इसका यूज जो है इस इसमें कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है ठीक बताओ भाई करना चाहिए बताइए कोई बता नहीं रहा ये करना चाहिए ऐसा बताओ बच्चों, यस आप सही बोल रहे हैं जानते हैं यस नहीं करना चाहिए हाँ लेकिन लोग क्या बताएं हम ठीक चलिए कोई बात नहीं आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों तो मैं यहाँ पे एक सवाल दे रहा हूं कि विच द फॉलोइंग फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस आइडेंटिफाइड बाई नॉट आइडेंटिफाइड बाई amnio एमियो सेंटेसिस ठीक समझ लीजिए ये क्वेश्चन है ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम तीसरा ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है सिरोसिस बताइए कौन सी बीमारी को नहीं चेक कर सकते कौन बताएगा देख लीजिए आप लोग अच्छे से ए ए, 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 ए सी <laughs> तो क्या होना चाहिए सबने आंसर दे दिया चार ही पांच लोगों ने आंसर दिया तो इसमें बच्चों क्या होगा सिरोसिस ठीक है बेटा ये जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर आल्सो चेकड बाय एमनियोसेंटेसिस इसीलिए दिया था यही बताने के लिए मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर ये भी पढ़ा चुका हूं पूरी जेनेटिक्स पढ़ सकते हो जाके वहां से बायोलॉजी विद डॉक्टर हैदर सर चैनल पे पूरी जेनेटिक्स पढ़ा चुका हूँ यहाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी चेक कर सकते हैं को भी चेक कर सकते हैं ठीक यस yes, बेटा डायग्नोसिस ऑफ डिसीज के लिए यूज करते हैं लेकिन लोग आजकल यूज कर रहे हैं इसका किसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ बेबी जो बहुत ही गलत बात है इलीगल मेथड है क्लियर क्लियर नहीं जानते नहीं जानते चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन यस मिसयूज करते हैं जी 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 मैं बस आधे घंटे में निकल रहा हूँ अच्छा। ठीक तो ता, तो जी 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 अच्छा। अभी हम हजरतगंज अच्छा। तो में जी 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 चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ लेते हैं पॉपुलेशन यस मिस यूज़ करते हैं आइए अब लो है? है हम लोग पढ़ते हैं पापुलेशन एक्सप्लोजन क्या पढ़ते हैं अगली हेडिंग है हमारी पापुलेशन एक्सप्लोजन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने इसमें कुछ बताया था नोट डाउन कर लीजिएगा पापुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ते हैं पापुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल एंड बर्थ कंट्रोल अब देखिए इसमें क्या हुआ बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या हुआ कि 1947 की बात थी जैसे ही देश आजाद हुआ लोगों ने झमाझम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन ही शुरू हुआ क्योंकि तब बंदूक बंदूक चल नहीं रही थी रिप्रोडक्शन भी लोग झमाझम कर रहे थे उसके पहले क्या था कहीं बम फूट रहा है कहीं लाठी चल रही है कहीं मारपीट हो रही है तो पॉपुलेशन उतनी फास्ट नहीं बढ़ी लेकिन जैसे भारत देश आज़ाद हुआ क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें इंडिया में उन्नीस में जो पापुलेशन थी बच्चों वो 350 मिलियन थी कितनी थी थ्री फिफ्टी मिलियन पॉपुलेशन थी ठीक है ना 2000 आते आते ये वन बिलियन क्रॉस कर रही थी वन बिलियन देखिए कितनी तेज़ जो है पापुलेशन बढ़ रही है और सन 2011 हज़ार ग्यारह तक आते आते पापुलेशन वन पॉइंट टू बिलियन हो गई कितनी हो गई बच्चों वन पॉइंट टू बिलियन हो गई तो ये डाटा जो है आपको रटना है ऐसे याद रखना कि जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद पापुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी क्योंकि रिप्रोडक्शन ही लोगों के पास बचा और कुछ था नहीं कि अब क्या करें तो लोग ही झमाझम किए जो है पापुलेशन बढ़ाई उन्नीस में 350 मिलियन थी बच्चों ठीक है ना 2000 आते आते वन बिलियन ठीक है ना दो में वन पॉइंट टू बिलियन हो गई ठीक है अब अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं क्लियर है बच्चों ना चलिए अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें ठीक वर्ल्ड की पॉपुलेशन दो बिलियन थी 2000 तक पहुंचते पहुंचते सिक्स बिलियन हो गई ठीक 2011 आते आते 7.2 पॉइंट टू बिलियन हो गई थी इसको रटना है बेटा बगैर रटे जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते ठीक है ना डाटा दोनों याद होना चाहिए फटाफट रटो ठीक १९०० उन्नीस सौ में कितनी थी बच्चों दो बिलियन थी 2000 में कितनी हो गई सिक्स बिलियन ये वर्ल्ड की बात है और सन दो आते आते कितनी हो गई थी सेवन पॉइंट टू बिलियन क्लियर फटाफट बताइए ये देखिए आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल इंडिया की 1947 में 350 मिलियन थी 2000 में 1 बिलियन और 2011 में आते आते 1.2 बिलियन हो गई ठीक है ना अगर हम लोग वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें 1900 में 2 बिलियन थी 2000 में 6 बिलियन एंड सन दो में 7.2 बिलियन हो गई तो पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी इसी वजह से फैमिली प्लानिंग का शुरुआत की इंडिया वालों ने दूसरी एक घटना और थी कि एक और स्लोगन दिया गया कि हम दो हमारे दो क्या दिया गया बच्चों हम दो हमारे दो और एक जो है बर्थ रेट की अगर हम लोग बात करें ठीक है ना बर्थ रेट की तो इसमें क्या है कि ट्वेंटी वन पीपल एक हज़ार में ठीक है ना यानी इक्कीस लोग अगर एक हज़ार की बात करें एक हज़ार में इक्कीस लोग जो है पैदा हो रहे हैं एक हज़ार पॉपुलेशन में इक्कीस लोग पर ईयर पैदा हो रहे हैं ठीक है ना ट्वेंटी वन बाई वन थाउजेंड पर ईयर इसका मतलब क्या है बताओ भाई इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि एक हजार में इक्कीस लोग जो है पर ईयर नए पैदा हो रहे हैं अब इसमें दिमाग लगाना उसने जो भी स्टडी होती है एक्चुअल में जो भी स्टडी की जाती है मेडिकल साइंस में वो एक हज़ार पापुलेशन पे ही की जाती है जैसे पूरे अगर हम लखनऊ में हैं तो लखनऊ की हमें पापुलेशन पता करनी है और इसमें कोई डिसीज़ है मान लीजिए डेंगी डिसीज़ बहुत ज़्यादा है तो हम लोग एक हज़ार लोगों की स्टडी करेंगे एक हज़ार लोगों में फिर हम लोग उससे टोटल पापुलेशन निकालेंगे कि एक हज़ार में इतनों को हुई है तो इतने में इतनों को होगी ऐसे हम लोग जो है निकालते हैं तो पूरे वर्ल्ड की पापुलेशन पे हर एक हज़ार एक हज़ार लोगों को जो है स्टडी करना ये बहुत मुश्किल काम है है ना कि सभी लोगों की स्टडी करें सभी लोगों को जो है आ, सभी के घर जाएं, तो ऐसे हम लोग अंदाज लगाते हैं ठीक समझ गए समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्योंकि सभी के घर जा के स्टडी करना तो मुश्किल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हज़ार लोगों की जैसे मान लीजिए वैक्सीन लगनी है कोरोना की कोरोना की वैक्सीन लगनी है तो हम लोग क्या करेंगे एक विलेज में तीस हज़ार लोग रह रहे हैं कितने तीस हज़ार लोग जो है एक विलेज में रह रहे हैं तो अगर हम तीस हज़ार को जो है वैक्सीन देंगे कोरोना की ये तो बहुत कॉस्टली भी है और फ्री में लगाना है तो हम सबको नहीं देंगे हम इसमें से बच्चों जो है दस हज़ार लोगों को कितने को दस हज़ार जो है दस हज़ार लोगों को लगा देंगे कोरोना की वैक्सीन इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि जैसे हर तीन लोग अगर खड़े हैं उसमें एक लोग को वैक्सीन लगी हुई है तो चांस ऑफ इंफेक्शन कम होगा है ना जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर जो है दो लोग हैं तो एक मास्क लगा सकता है एक नहीं लगा सकता है तो भी चलेगा क्योंकि चांस ऑफ इंफेक्शन ट्रांसमिशन लेस है तो इसी तरीके से हम लोग इस पर भी स्टडी करते हैं क्लियर बता दो अब उसके बाद देखिए क्या शुरू हुआ हम दो हमारे दो हम्म जब पापुलेशन बढ़ने लगी तो हम दो हमारे दो का नारा आया भाई जो ये नारा दे रहे हैं जब उनके पास जो है परिवार में ग्यारह ग्यारह लोग हैं है ना तो आम लोग कैसे फॉलो करेंगे हम दो हमारे दो अब एक और आने वाला है आ ही चुका है चाइना वाइना में जाओ तो हम दो हमारे एक हम दो हमारे एक और एक दिन आएगा कि हम दो हमारे एक भी नहीं <laughs> है ना? तो जो है खैर आप लोगों के टाइम में आ जाएगा तब तक तो हम लोग चले जाएंगे। अब हम दो हमारे दो ये किस लिए दिया गया था पापुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ठीक है ना लेकिन पापुलेशन कंट्रोल कहाँ होती है अब अगर जो है पापुलेशन कंट्रोल हमें कराना है पापुलेशन कंट्रोल तो आप कैसे कराएंगे पापुलेशन कंट्रोल मान लीजिए आप एक विलेज में गए एक कहानी आपको बताते हैं आप मान लीजिए एक विलेज में गए और इस विलेज में विलेज के लोगों को थोड़ा सा जो है ना नॉलेज एजुकेशन भी कम होती है तो मान लीजिए विलेज में आप गए तो विलेज में जब आप गए तो वहाँ पे देखा कि दो तीन परिवार में आपने देखा कि किसी के यहाँ आठ बच्चे हैं किसी के यहाँ नौ बच्चे हैं किसी के यहाँ दस बच्चे हैं तो आपका तो दिमाग जो है बिल्कुल ख़राब हो गया कि एक के यहाँ आठ बच्चे हैं दूसरे के यहाँ नौ बच्चे हैं तीसरे के यहाँ दस बच्चे हैं है ना इस तरीके से जब बच्चे आपने देखे तो आपने जो है आप गए हैं वहाँ पर सर्वे के लिए आप समझाने के लिए कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल कैसे किया जाए तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते उनसे कि कितने लड़के पैदा कर दिए आपने देखिए सब घूम रहे हैं तो आपको दौड़ाएंगे कम मारेंगे ज़्यादा ठीक है ना तो आपको उनको जो है इस तरीके से बात करनी है कि बताइए आपके यहाँ जो है परिवार में कितने लोग हैं तो बताएंगे हमारे यहाँ परिवार में आठ लोग हैं तो आप पूछेंगे दूसरा सवाल आपका होगा कि आपके पास जो है कितनी खेती बाड़ी है कितना खेत है आपके पास फील्ड कितनी है तो बताएगा मेरे पास जो है दस बीस से जो है ज़मीन है मैं उसी में जो है खेती बती अपनी करता हूँ अब उससे पूछेंगे आप कि आपके यहाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है जो गेहूँ है चावल है जो इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है तो वो बताएगा कि छः कुंटल आठ कुंटल प्रोडक्शन हो जाता है इसमें से मैं चार कुंटल मार्केट में बेच देता हूँ और चार कुंटल अपने खाने के लिए रख लेता हूँ तो आप दूसरा सवाल आपका होगा कि ये बच्चे सारे स्कूल जाते हैं तो वो कहेगा कि हाँ बच्चे सारे स्कूल जाते हैं तो आप पूछेंगे कि स्कूल की फीस कितनी है तो बताया गया स्कूल की फीस हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ है तो आठ सौ यही चला गया फिर सबके ड्रेस होंगे ड्रेस बनवाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो वो भी पैसे जो है वही इन्वेस्ट कर रहा है एक आदमी फार्मर जो है तो उसके बाद सबके जो है बैग होंगे सबकी बुक्स होंगी तो ये एक हिसाब से देखा जाए कि आमदनी उतनी नहीं है लेकिन खर्च ज़्यादा है ठीक है ना तो इस तरीके से आप समझाएंगे कि अगर आपके दो बच्चे होते अगर आपके दो बच्चे होते तो एक तो खाना कम लगता फीस भी कम लगती पढ़ाई के लिए बुक भी कम लेनी पड़ती सबके कपड़े नहीं बनवाने पड़ते तब वो कहेगा कि हाँ आप तो सही कह रहे हैं कि जो है आ, आ, सामान कम खर्च होता तब आप वहाँ कहेंगे कि जो है जो आपके बच्चे हैं इनको आप समझाइए कि जो है पापुलेशन थोड़ा सा कम रखें एक ही दो बच्चे रहें तो काफ़ी सही है ठीक है ना दो से तीन हो जाए इस तरीके से आप उसको लाएंगे डायरेक्ट आप नहीं बोलेंगे कि यार दस दस बच्चे पैदा कर दिए सब घूम रहे हैं तो तुमको दौड़ाएंगे कम और हॉकिंगे ज्यादा तो बात समझ आई कि नहीं आई बताओ किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करवाना है हुँ? बताओ बच्चों फटाफट बताओ फटाफट चैप्टर हो रहा है खत्म जो है हुँ? किसी को समझ ही नहीं आ रहा है सब फोन छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं क्या अपना कोई बोल नहीं रहा एक लास्ट पॉइंट और बताते हैं फिर घर चलते हैं मैरिजेबल एज ग्रुप की अगर हम लोग बात करें बच्चों एज ग्रुप शादी के लिए जो उम्र होनी चाहिए जो फीमेल है बच्चों इसकी उम्र एटीन इयर्स होनी चाहिए 18 साल और अगर कोई मेल है तो इसकी उम्र होनी चाहिए ट्वेंटी वन ईयर ठीक है ना अब इसमें भी देखिए लॉजिक है ट्वेंटी वन ईयर उम्र क्यों होनी चाहिए फीमेल से एज ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसकी जो है उसका प्रोटेक्शन कर सके है ना उसको सपोर्ट कर सके उसको बचा सके डोमिनेंट पर्सन जो होना चाहिए वो मेल होना चाहिए ठीक है ना इस वजह से इसकी एज जो है ज़्यादा होनी चाहिए ट्वेंटी वन ईयर और फीमेल की एज जो है एटीन ईयर ठीक है ना क्योंकि फीमेल के अंदर देखा गया है कि एज आफ्टर थर्टी ईयर आफ्टर थर्टी ईयर तीस साल के बाद जो है उसमें कंजेनाइटल डिसीज़ के चांस ज़्यादा हो जाते हैं इसके कंजेनाइटल डिसीज़ जो अभी पढ़ाया हमने क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंडो मोस्ट कामन है तीस साल के बाद जो है उसमें बीमारियों के चांस ज़्यादा हो जाते हैं इस वजह से जो एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी हम लोग मिलते हैं कल कल हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल मेथड ऑफ़ रिप्रोडक्शंस तो आज के लिए इतना ही ठीक है ना बने रहिए चैनल पे आप लोग लाइक करिए कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके okay, बाय बच्चों